पॉकेट में हम आए और मुनीब मेरे ख्याल से लड्डू पीठी तो होती है लेकिन कलंदरी दाल चावल जो है ना बहुत हैवी खाना खिलाऊंगी कोई पिज्जा आपको हैवी भी खिलाऊंगी लेकिन थोड़ा सा टेस्ट कर लो मेरे कहने पे आपको बहुत मजा आएगा। इससे फिर दादा साहब चली जाती है यार तुम दाल नहीं नहीं मैं आपको कलंदरी इससे थोड़े सिर्फ आपने टेस्ट करना है ठीक है और टेस्ट करने के बाद होते तो मजे के हैं मजे के होते हैं वो तुमने तो हाइप बनाई थी कि वो खाना ये वो सारा वो भी सब चीज नहीं है ना कुछ होगा लेकिन अभी जो है मैं कह रही थी कि आप थोड़े से टेस्ट कर लो ठीक है और उसके बाद जो है मुझे तुम्हारी भी हर बात पे इमरान खान की वो लाइन याद आ रही है कौन सी घबराना नहीं आप तो आपने नहीं घबराना देखो तुम पूरी कोशिश कर रही हो ना अच्छा जी चले चलते हैं और थोड़ा सा टेस्ट करना है इसलिए मैं टेस्ट करवा रही हूँ कि बहुत टेस्टी होते हैं जी यहाँ पे और आपके क्रीमा खिटाएं तो लाजमी जो है लड्डू पीठिया खाएं और ये कलंदरी दाल चावल खाएं और अच्छा खाना ना खाएं सज्जी भी इधर की बड़ी मशहूर होती है। सीरियसली आपको बहुत बड़े बड़े होटल्स में बैठ के आपको वो मजा नहीं आएगा जो ये वाली चीजें खा के आप आप आपका दिल ऐसे हाँ वो कटे मिट्टी का अपना एक टेस्ट होता है ना चलें जी बैठते आगे। अच्छा जी तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे फाइनली कलंदरी दाल चावल पे मैंने आपको सिर्फ टेस्ट करवाने हैं और बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कौन सी जो चीजें हैं वो दाल चावल पे फिर वही है और दाल चावल का मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये लोग बनाते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है घर से बना के लाते हैं यार लेकिन उनसे जरा पूछ लेंगे ना कि आखिर वो अपनी दाल चावल में से क्या सही क्यों बताएंगे यार वो इतना उनकी चलती है इसलिए उन्होंने कहा ना आप लोग घर ही बना के खा लो मेरी बात सुनो आप मुझे लाजवाब कह देते हो तो तुमने जो मुझे इतने खाने का इतने बड़े बड़े खाने ख्वाब दिखा के इधर ला के मुझे लाजवाब नहीं मैं आपको खिलाऊंगी ये तो सिर्फ टेस्ट के लिए सुबह से सुन रहा हूँ यार फिजा पता नहीं कब खिलाओगी मैं आपकी आंखें बंद करके लेके जाऊंगी और जब मैं आपकी आंखें खोलूंगी तो वो सामने बहुत कुछ होगा कोई ना जी ऐसा भी तो सिर्फ दाल चावल है ऐसा ही होगा दाल चावल मसाला डाल रहे हैं हमने कह दिया है ऑर्डर दे दिया है और आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे बफे का ऑर्डर दिया आप प्लेट में वही ऊपर चटनी डाल के बफे का ऑर्डर नहीं देते होते वो जाके खुद ही ठीक है ना हाँ पता है मुझे आज 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 मुनीब बहुत ही थके हुए अक्के भी हुए अक्के भी हुए आपको याद रहेगा ना कि इस तरह की बातें नहीं करनी अच्छा जी तो आप भी आए बल्कि आप भी बैठे हाँ जी किधर गए देखें जी इसमें होती है दाल इसमें होती है दही इसमें देखे सैलड और लेमन और मिर्चें भी होती हैं गरम मसाला होता है और यहाँ पे बहुत सस्ते और बहुत अच्छा जो है वो खाना आप यहाँ पे खा सकते हैं तो मैम ये घर के बने हुए हैं दाल चावल वो बहुत जायकेदार होते हैं हमारा यहाँ पे क्रीम ब्लॉक में एक नाम है कलंदरी का और हमें 14-15 साल हो गया इसको नजर आ रहे हैं कि दाल चावल है अच्छा इसमें क्या क्या होता है इसमें सब्जी है दो चीजें मिला पूछो बनाते कैसे इतने मजे की ये पूछो किस तरह बनाते ये वालदा बनाती है इसलिए मजेदार है तो कलंदरी क्यों रखा हुआ है कलंदरी दाल वैसे एक नाम जो यूनिक नाम चाहिए ना दरबारों वगैरह पे ज्यादा दाल चावल चलते हैं मेलों शेलों पे आपने खाए हैं मजे के है ना तो आप यहाँ पे क्रीम मार्केट आए कलंदरी दाल चावल आपको मिलेंगे और ये लाजमी टेस्ट करें घर के बने हुए अम्मा बनाती हैं तो टेस्ट जो है वो मजीद इसका तो हम ये टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं असल पॉइंट पे और वो मुनीब के लिए एक सर